नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। स्पेन का शहर पोंतेवेद्रा आजकल दुनिया भर के अर्बन प्लानरों को अपनी तरफ खींच रहा है। पोंतेवेद्रा पैदल चलने वालों का शहर बनता जा रहा है। इस शहर में नाम मात्र कारें, शहर के मुख्य स्थान पर लोगों की काफी भीड़ जमी रहती। वैज्ञानिकों की माने तो इस शहर में कार्बन उत्सर्जन काफी कम हो गया और इस बात को लेकर पोंतेवेद्रा के अधिकारी काफी खुश हैं। पोंतेवेद्रा शहर के मेयर दुनिया भर से आए लोगों की मेजबानी करते हैं, जिनमें अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश शामिल हैं। पोंतेवेद्रा देखने वालों का कहना है कि शहर की सड़कें शानदार हैं, सभी लोग शानदार हैं और बच्चे निश्चिंत होकर खेलते हैं। यहाँ का वातावरण काफी शानदार है और इस शहर में बड़े आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती है। पोंतेवेद्रा के मेयर की माने तो उनको खुद ही पैदल चलना अच्छा लगता है, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं रहा। इससे पहले इसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई। जब इसकी शुरुआत हुई उस वक्त पोंतेवेद्रा का ट्रैफिक से बुरा हाल था। शहर में लगभग 8 लाख लोग थे और इतनी ही गाड़ियां थी, लेकिन आजकल लोग पैदल चलते हैं और खुश हैं। जब कारें चलती थी तब हर तरफ अफरा तफरी मची रहती थी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हुआ। पोंतेवेद्रा शहर में खास बोर्ड लगाए गए जो मेट्रो की रूट जैसी जानकारी देते। नक्शा ये बताता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह कैसे जाएंगे। पोंतेवेद्रा शहर में कारों को रोकने के लिए एक बड़ा कार पार्किंग बनाया गया, जहां पर शहर में घुसने से पहले कारें खड़ी होती। और कमाल की बात यह है कि यहां पर कारों की पार्किंग के पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की डिलीवरी की एम्बुलेंस शहर में घूम सकती और इसके साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में यही नियम चलता। कार पार्किंग में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट तक ही गाड़ी पार्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि कारों के लिए कोई जगह नहीं। इसको लेकर पुलिस के कैमरे सब पर नजर रखते हैं। ट्रैफिक नियम के अनुसार 30 किलोमीटर से अधिक आप नहीं चल सकते। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की माने तो पिछले 8 साल से एक भी गंभीर घटना नहीं हुई। और जब मिगुएल लोरेस पाद्रो पोंतेवेद्रा के मेयर हुए तभी से इस शहर की हालत ठीक होने लगी। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत होती है तो उसका विरोध जरूर होता है। इस काम को लेकर भी पोंतेवेद्रा के लोगों ने विरोध किया था। इसको लेकर कुछ लोग तो अदालत में भी गए, लेकिन पोंतेवेद्रा की आज इतनी अच्छी हालत देखकर विरोधी भी खुश हैं। पोंतेवेद्रा के लोगों ने ये दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है और कुछ भी किया जा सकता है। शहर के लोग इस बदलाव को काफी पसंद कर रहे हैं। पोंतेवेद्रा की जनता की माने तो आप बिना किसी डर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ये अनुभव शानदार है। इससे प्रदूषण कम हुआ है और जीवन खुशियों से भर गया। पोंतेवेद्रा के निवासियों की माने तो अब पुराना पोंतेवेद्रा वापस लौट आया। पहले यहाँ लोग शहर छोड़कर जाते थे, लेकिन अब यहाँ के बाशिंदों की तादाद बढ़ती जा रही। अब एक और चौंकाने वाली बात आपको बता दें कि शहर को चमकाने वाले मेयर पिछले 20 सालों से मेयर। मेयर की माने तो लोग पोंतेवेद्रा पर गर्व महसूस करते हैं और लोगों की यही बात शानदार। लेकिन इसके उलट पोंतेवेद्रा के मेयर को ड्राइविंग काफी पसंद। वो रोज पोंतेवेद्रा के बाहरी इलाकों में अपनी गाड़ी लेकर मौज मस्ती करने निकल जाते हैं, लेकिन शहर में कारों की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि पोंतेवेद्रा कैसा है और क्यों है और ये ऐसा क्यों हुआ। यही बात पोंतेवेद्रा को दुनिया से अलग करती है।